नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया टीवी की आज एक बहुत ही खास पेशकश में। और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं इनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आपकी शान में दो शब्द बोलने की इजाजत चाहता हूँ। स्कॉलर, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाज और दुनिया पर आपकी एक अपनी अलग नज़र है, एक अलग नज़रिया भी है। जो बातें ये बोलते हैं वो बहुत चुभने वाली भी होती हैं कई बार, लेकिन वो आपको सोचने को मजबूर भी करती हैं। इसके अलावा ये जो बात कहते हैं दुनिया भर में उस पर ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती है तो साथ साथ इनको नापसंद करने वालों की, बल्कि कुछ लोग कहते हैं इनसे नफरत करने वालों की तादाद भी बढ़ती रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने अपना बात करने का लहजा बदला नहीं कभी। ये पैदा हुए कराची पाकिस्तान में, रहते हैं कैनेडा में, लेकिन बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो आज तारिक फतेह साहब का स्वागत करते हुए कुछ तीखे सवालों से आपका सामना होने वाला है। तारिक साहब, मैं शुरुआत करना चाहता हूं उस मुल्क से जहां आपका जन्म हुआ, पाकिस्तान। और आप अक्सर, मैंने आपको ये कहते सुना है कि हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान समझ में नहीं आता। जी, आप वहां पर एक नई सरकार, एक नए प्रधानमंत्री इमरान खान आ गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है। अब इमरान खान से क्या हम उम्मीद करें, इमरान, क्योंकि वो कहते हैं मैं इंडिया को समझता हूँ और इंडिया मुझे समझता है। वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग को समझते होंगे, इंडिया को वो भी नहीं समझते। देखिए, इमरान खान का अपने तालिब इल्मी के वक्त में इनका नाम होता था इम द डिम, यानी इमरान से इम बन गया था और डफर होने का डिम, यानी बत्ती इनकी कमी रहती थी। सो ही वॉज अ डिम्ड आउट पर्सन। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ 1970 में, जब ये पहली दफ़ा 71 में इंग्लैंड का टूर था, जब इनकी साइड में टेस्ट टीम में नहीं जा सकते थे तो इन्होंने कुछ फौजी जनरल से प्रेशर डलवा के अपना किया था। जिस ज़माने में सरफराज नवाज और आसिफ मैं भूल रहा हूँ आसिफ अजहर नाम थे, ओपनिंग फास्ट टीम थी, ही वॉज नॉट इवन इन दैट टीम। लेकिन इनको कुछ पाकिस्तानी इनके रिश्तेदार सारे, ये जनरल नियाजी जो ढाका वाले हैं ना जी, ये उनके भतीजे हैं, ये पठान वठान नहीं है बाय द वे। जो भारत बांग्लादेश जंग के दौरान जी, उनके भतीजे, भारत पाकिस्तान जंग के दौरान वहाँ के आर्मी के मुखिया थे जी, 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 ये उन्हीं के रिश्तेदारों में से हैं, ये हथियार पुराने डालने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये फौजी जनरलों की औलादे हैं, तीन बहनें थीं, तीनों जलंधर की, तीनों के बच्चे कैप्टन हुए। एक जावेद बरकी आए 1960 के टूर में, यहाँ उनका भी क्वालिफाइड नहीं होते थे। जहांगीर खान इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, मोहम्मद जहांगीर खान इन दी 36 टूर, ये उनके नीचे हैं, जिनके बेटे का नाम था माजिद जहांगीर, फिर वो बने माजिद एम जे खान, फिर वो बने माजिद खान और फिर पाकिस्तान के कैप्टन बने। तो ये सब एक कबाल है पाकिस्तान फौज का, जो क्रिकेट में भी था। इनकी लाइन और लेंथ कभी सीखनी पड़ती थी, इनको कोई 10 साल फ्री में खिलाने के बाद भी जाके इनको सेट, इतना चांस मिले तो ज़हीर अब्बास भी फास्ट बॉलर होता। तो ही इज़ द क्विंटेसेंशियल, यानी ये बेहतरीन मॉडल हैं पाकिस्तान की जहालत के, यानी और इंडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान क्या है। आप सोचिए कि 4 लाख फौज, मेरे ख्याल फ्रांस की आर्मी में टोटल नेटो की फोर्स इतनी नहीं है, 4 लाख की इन्फेंट्री पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन में खड़ी हुई जाली वोट डालने के लिए। 90% ऑफ जो पोलिंग स्टेशन थे उसके रिजल्ट वर नॉट सील्ड और हर जगह लोगों को हराया गया। इस वक्त स्टोरी हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी कि वो बच्ची जो जेल में है इस वक्त, नवाज शरीफ की बेटी मरियम, मरियम, आपकी तो किसी फेमिनिस्ट ने नहीं कहा कि वो जेल में क्यों है। सारी आपकी जो इंडिया की फेमिनिस्ट हैं वो कह रही हैं इज सो लवली, इज एब्सोल्युटली डायनामिक एंड जनरल बाजवा इज सो गुड। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया को पता ही नहीं चलता कि इनके साथ इनकी जेब काट के कौन ले जाता है कब। तारिक साहब, इलेक्शन वो कैसे भी जीते हो, आप कह रहे आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं हुआ ना, या प्रधानमंत्री तो बन गए ना वहाँ के, वो प्रधानमंत्री आजम बन गए, अयूब खान थे प्रेसिडेंट उस वक्त, प्रधानमंत्री बनने वाले 1959 में इलेक्शन होना था,
उनको पता था कि नेशनलिस्ट पार्टी जिसका मरकज ढाका था उनको जीतना, आपने मिलिट्री कू करा दिया। अब यह है कि सीख गए मिलिट्री कू नहीं कराते, परमानेंट रूल रहता है फौज का, और ये किराए के पिट्ठू ला के आगे वागे थर्ड क्लास लोग रखते हैं। जो एक खड़ा हुआ नवाज शरीफ फौज के सामने, उसका आपने देख लिया हशर क्या हुआ, और कितनी जल्दी भूले, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज भूल गई। लेकिन अब हिंदुस्तान को अगर डील करना है, बात करनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि भी हमें बात क्यों डील करना, इमरान खान चाहते हैं बात, वो क्यों चाहते हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, उनको क्या बात करने की जरूरत है, इलाका वापस दे दें, बात कर लें। मुझे समझ नहीं आता है कि आपको इतनी उलझन होती है इंडिया में, अगर कोई नक्शा गलत छाप दे, रीडर डाइजेस्ट कैंसिल करो, नेशनल ज्योग्राफिक को ये करो, अब अल जजीरा को आपने मौका दिया इंडिया में रीब्रॉडकास्ट करने का इस कमिटमेंट पे कि आप जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा इंडिया से अलग नहीं दिखाएंगे। नक्शेबाजी में तो आप लोग बहुत गुस्सा आता है, जहां चीन की फौज बैठी हुई है और पाकिस्तान की फौज बैठी गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित पे कब्जा, स्कर्दू पे कब्जा, हुंजा पे कब्जा, रेड आर्मी बैठी है और चीन के जो जेल्स हैं उनके प्रिजनर्स को ला के आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कंस्ट्रक्शन के लिए रखा हुआ गैंग्स को। लोकल पॉपुलेशन का ये हालत है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके, दे हैव इरेज द लैंग्वेज। जेनोसाइड तो लैंग्वेज का हो चुका, अब जेनोसाइड हो रहा है कश्मीरियों का वहां पर, और आप कह रहे हैं बात करनी, आपके घर में कोई आके आपके ड्राइंग रूम पर कब्जा करेगा, आप उससे बात करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे निकालो इसे। इंडिया वाहिद दुनिया का मुल्क है कहता हाँ उन्होंने कब्जा तो कर लिया हम पे, लेकिन हम जरा वहां प्याज सस्ते मिलते हैं तो वो वाघा से आ जाते हैं, तो अब हम क्या झगड़ा करेंगे। आप क्या रास्ता बताते हैं कि बातचीत का कोई जरिया नहीं हो, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रेड ना हो, बिल्कुल नहीं, सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दे, खत्म। आपने बंबई पे हमला कर दिया, लोकसभा पे हमला कर दिया, इसके बाद कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ तो आप हिंदुस्तान का नाम लेके खड़े हो, 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को संभालने वाले आज ऐसे लगते हैं जैसे अरे सीमेंट वहां बड़ा अच्छा मिलता है, कोई कह रहा है अमन की आशा चलती है वहां पे, बैक रूम लॉबीज मिल रही हैं। लोकसभा पे हमला किया आपके, मुंबई शहर पे हमला किया, कई सौ आदमी मार दिए। आप सोचिए कि अगर ये पाकिस्तान में हुआ होता तो वो क्या करते। तो आप कह रहे हैं इमरान खान, इमरान खान की बीवी के पास पावर है, उनके पास नहीं है, उनकी बीवी के पास। ये बात तो लोग आज कह रहे हैं कि इमरान खान के पास ताकत नहीं है, ताकत फौज के पास है, फौज की है। आप एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं आपके नहीं, ताकत इमरान खान की पत्नी के पास है भाई, उसके साथ बिस्तरे में, उसके घर में। देखिए कौन है ये जादूगरनी का वर्ड समझते हैं आप लोग, ये मजाक में नहीं कर रहा हूं, ये टूने टाने वाली औरत है जो रात को दीवारों पे गोश रख देती है और कहती जिनके लिए रखा है मैंने, वो सुबह नहीं होते हो कहते देखो जिन दीवार खा गई पैसे। आई एम नॉट जोकिंग, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, उसमें वो लेडी कौन थी जिसने अपने अपने कमांड से बेटी को जलवा दिया था, अब बाप और माँ के हाथ से बेटी जलवाई थी, जिसके कमांड के बगैर कुछ हिल नहीं सकता था, ये वो लेडी है। बहरा इमरान खान ने इनसे शादी से पहले कहा था ये मेरी स्पिरिचुअल गाइड है। स्पिरिट हो तो गाइड होती है। अच्छा चले छोड़े, इमरान खान आप कहते हैं इमरान खान कोई भी नहीं बात कर रहे, कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान की फौज उन्होंने खेलना है, उन्होंने करना है, हम क्या करें सर, हमें तो समझ नहीं आप, हम भूल तो नहीं सकते कि हमारे बगल में पाकिस्तान आप है। भूले हुए, आपके बगल में बांग्लादेश है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बगल में नहीं है आपके, आपके बगल में नेपाल है, आपके बगल में श्रीलंका है, आपके बगल में म्यांमार है, आपको आप मुझे बताइए बांग्लादेश इज प्रो इंडिया, पाकिस्तान इज एंटी इंडिया, आपने कभी किया है कि वहां क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आपको ये पढ़ा कि बांग्लादेश यहां बहुत आ रहे हैं, अरे रंग काला है तो आपको है ना, अगर पाकिस्तानी से गोरे गोरे इमरान खान वाले आ जाएं मेरे समझो उसके लिए रेफ्यूजी कैंप्स खोल देंगे आप। यू नीड टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट कि जिन लोगों ने आपको आपके फौजी मारे हैं
आपके ऑफिसर्स की गले काटे हैं। पाकिस्तानी फौज जब इंडियन ऑफिसर को पकड़ती है तो दे डीकैपिटेट द बॉडी एंड कट इट अप, इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं, उनको तो आप ले जाइए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तब मैं कहूंगा कि कोई आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। कौन उसका उधार उतारेगा? यू हैव टू बी, कैसे उतारे उधार? अशोका बने, जंग करें ना पाकिस्तान से, अशोका बन जाइए ना, जंग करें, यू विल नॉट बी बॉदर्ड। ये घिसे पिटे अमन की आशा के एनजीओज, ये सारी आंटियां इधर से उधर कॉन्फ्रेंस करती हुई चली जा रही हैं, बैंकॉक से मीटिंग पेरिस 2+2, नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो जहां हम बैठ के खाना खाते हैं, ये सर पे चश्मा लगाए हुए घूम रहे हैं। और एनजीओ, आपकी तनख्वाहें कहां से आ रही हैं एनजीओ की? वेस्टर्न कंट्रीज आपको, हर वो शख्स जो ब्राइट होता था, जो चाहता था कि मैं किसी सियासी जमात में जाऊं, हाँ, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर बड़ा बड़ा वॉलंटियर करता था, वो आज कहते हैं मैं बड़े होकर एनजीओ बनूंगा। मामू, एनजीओ बनूंगा, यानी ये एनजीओ तो एक ऐसा है जैसे इंजीनियर, उनको पता है इसमें माल ही माल है, काम कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि गाय का घी नहीं होना चाहिए, इस टाइप के अहमकाओं वाली बात करना, अब कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस किए जाए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मैं बताऊं, कल एक खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें ये कहा गया कि जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जनरल बाजवा, जी जी, उन्होंने सीक्रेटली इंडिया को अप्रोच किया है कि हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे भारत के साथ बात करना, ये तो कि सांप नेवले में दोस्ती वाली बात, कहावत है कि सांप चाहता है कि मेरी दोस्ती हो जाए किसी तरीके से। रियली? आपने जाके जब ढाका में पकड़े जनरल नियाजी और उनके 45 जनरल्स एंड 200 ब्रिगेडियर्स और 90,000 POWs, आपने क्या किया? उनको फिल्म दिखाई। कौन सी थी, सिलसिला थी या अंजुमन थी, क्या था? पहला डायलॉग ये था कि यार कोई बिस्किट शिक्की पिलाओ। वो दोनों पंजाबी बोलते थे, उनके तो मजे आ गए, बंगाली तो आपके पास बोलने वाला ब्रिगेडियर तक नहीं था। तो बांग्लादेश को तो आपने अबेंडन किया, वहां से छुट्टी 50 दिन के अंदर निकल गए, मुक्ति वाहिनी रह गई, पाकिस्तान के ISI के एजेंट रह गए, जो उसके बाद वहां तबाही मची, आप तो निकल आए। पाकिस्तानी फौज तो आपकी दोस्त निकले, लड़ाई तो हुई नहीं। Hey comrade, how are you doing, brother? You remember me? I'm from that course, Sanders, buddy. One, आप मुझे बताइए मुक्ति वाहिनी की स्ट्रगल में कितने हजार मरे लोग हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि the fight for Bangladesh independence was a rebuttal of Muhammad Ali Jinnah. आपके तो सर प्रेसिडेंट तक ने कह दिया कि इंटरनल मैटर पाकिस्तान का, आसाम के थे क्या मुसलमान इंडियन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, उन्होंने कहा इसे इंदिरा गांधी से कहा इट्स एन इंटरनल मैटर, यहाँ से वॉलंटियर नहीं गया कोई इंडियन मुस्लिम मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ने के लिए, हम पाकिस्तानी गए जो बाशऊर लोग थे, जो गफ्फार खान के फॉलोअर थे, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ना चाह रहे थे, वो बंगाली हमारे भाई थे। चले मैं, आप फिर कश्मीर का इलाज क्या है, क्योंकि ये आम समझ है, और आगे अगर ये समझ गलत है तो इसको भी दूर कीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा कश्मीर की वजह से, आप कश्मीर को सॉल्व कर लेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है टू नेशन थ्योरी पे। टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि हिंदू घटिया, मुसलमान ऊपर है, और मुसलमान वहां नहीं रह सकता जहां हिंदू नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो। यही थी ना जिन्ना साहब की, अल्लामा इकबाल की, जिसके अंदाजा लगाइए, वो इकबाल जिसने धुतकारा हिंदुस्तान को, उसके नगमे गाते रहते हैं आप लोग सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी ने कहा हिंदुस्तान चीनों अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम वो हैं डजन डजन एकदम गर्दन काटने वाले, सब पे कब्जा करेंगे। दैट इकबाल इज सेलिब्रेटेड हियर, उसका तो मामता आपकी जो है चीफ मिनिस्टर भाई, उन्होंने इकबाल डे मनाया। द मैन हु हेटेड टैगोर was being celebrated in Calcutta. Tabhi to kehta hu aap jante nahi ki kya ho raha. What you should do about Kashmir is very simple. Until Pakistan honors its own UN Security Council resolution that calls ke har Pakistani POK ke andar civilian aur fauji jo August 14 1947 mein nahi rehta tha, kalti wahan se nikalo, sab ko saaf karo, इंडिया की आर्मी रहेगी श्रीनगर में, उसके बाद आप रेफरेंडम कराएं किसने कहां जाना है, और फिर देख लीजिएगा।
कि कौन आता है पाकिस्तान के पास और कौन जाता है इंडिया के पास, और जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान अच्छा लगता है वो चले क्यों नहीं जाते, जान छोड़ें साहब, वो अपना हरा परचम लें, उनको LOC पे खड़ा करें और क्यों करें, जाओ खुदा हाफिज़ दबाओ। आज वहाँ फौज है, आज ही हमारे देश में ये मानने वालों की और ये आवाज़ उठाने वालों की कमी नहीं है जो खुद कहती हैं कि हमारे ही लोग कश्मीर में ज़्यादती करते हैं। आप तो ऐसी बात ये कर दिया तो जाने आसमान टूट पड़ेगा। क्यों टूट पड़ेगा साहब, आपको अगर हिंदुस्तान से नफरत है आप चले जाएं पाकिस्तान, ये तो पूरे चांस दिया साहब। पीपल वर अलाउड टू लीव दिस कंट्री। और एक बात क्लेरिफाई करूँ मैं आपको, पाकिस्तान कैसे बना ये समझें आप, जो इस वक्त पाकिस्तान है यहाँ किसी ने पाकिस्तान नहीं मांगा, मांगा लोगों ने, लेकिन सिंध बलूचिस्तान फ्रंटियर पंजाब में मुस्लिम लीग का कोई नहीं था। मुस्लिम लीग जिना साहब थी बंगाल, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे सैयद सोहरवर्दी, जिनको पाकिस्तान बनने के एक दिन बाद कह दिया यू आर आउट, यू आर नो लॉन्गर पाकिस्तानी। क्यों? आपके हरियाणा के वो कहाँ के हैं जहाँ लियाकत अली खान करनाल के, जिनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान नहीं, उन्होंने कहा मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का। कैन यू इमेजिन दैट, एक शख्स ने पाकिस्तान देखा नहीं वो आते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर बन गया। जिना साहब जिनको ना उर्दू आती सिंधी आती कुछ नहीं आती, उनको एक जबान आती थी गुजराती दूसरी इंग्लिश, लेकिन गुजराती बोलते हुए शर्म खाते थे, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा नहीं है। इस टाइप के लोगों को आपने कहा कायद आजम, और किसने कहा? UP बिहार मद्रास बॉम्बे का मुस्लिम वोट, 80% ऑफ मुस्लिम्स इन दीज एरियाज वोटेड फॉर जिनाज पाकिस्तान। तो ये तो डबल का मजा हो गया ना सर, पाकिस्तान भी बनवा दिया और इंडिया में भी रह गए। तो यू हैव टू, आप इंडियन मुस्लिम, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने या जिस सोच ने पाकिस्तान बनाया वो आज भी हिंदुस्तान में ही है। वो सोच तो है ना, वरना हमारे नाम हिंदुस्तानी क्यों नहीं होते? कोई आपको मिला सूरज नाम का हिंदुस्तानी मुसलमान, या मेरी जैसे तारिक नाम रखे हो? वो तो कोइंसिडेंस है कि तरक से है जो संस्कृति वर्ड है, बट हम शम्स का तो नाम सुनते हैं, सूरज का तो नहीं सुनते, आफ्ताब सुनते हैं, चांद तो नहीं सुनते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं अब भी अरबिस्तान से, तभी तो सैयद जैदी रिजवी ये सब लगा हुआ है। ये तो खुल के हम कह रहे हैं कि हम आए अरबिस्तान से आप पे हुकूमत करने, और कैसे आप पहुंच गए? और क्या नाम होना चाहिए? किसी का नाम अशोक जैदी होना चाहिए भाई, जैसे तुर्क पूरे टर्की के अंदर क्या नाम होते हैं, इंडोनेशिया में मुसलमानों के क्या नाम होते हैं? अरबी हैं। ईरान में कभी सुना है आपने? खालिद नाम का आदमी नहीं है ईरान में पूरे पिछले 1000 साल में नहीं है। तारिक नाम नहीं एग्जिस्ट करता वहां पे। पर्शियंस के पर्शियन नाम है, तुर्कों के तुर्क नाम है, अरबों के अरब नाम है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान का हिंदुस्तानी नाम अशोक कोई रख ही नहीं सकता। बड़ा क्योंकि हम आप बात कह रहे हैं तो कोई सोचेगा इस पे, सोचे ना। नहीं तो लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है कि भाई मुसलमान का नाम नॉन इंडियन हो। नहीं, हम लोगों को ये लगता है हमने मान लिया है कि ये मुस्लिम नेम है, ये हिंदू नेम, नाम नहीं होता, क्रिश्चियन नेम है। नाम का मजहब होता ही नहीं है, जमीन का मजहब होता है, जमीन का कल्चर होता है, नाम हैज गॉट नथिंग टू डू विथ। अच्छा एक बात ये बहुत कही जाती है कि भाई दुश्मनी जो है मुल्कों के बीच में तो नेताओं की देन होती है, लोग तो अच्छे ही होते हैं। अच्छा तो पाकिस्तान के लोग वो जो बंबई आए थे वो अच्छे थे, बड़े प्यारे थे, ऐसे पप्पू लोग आ गए थे, बस 200 आदमी मार के चले गए। वो ये LET वाले लोग अच्छे हैं सारे, जैसे आप मुझे बता, जो शख्स टू नेशन थ्योरी बिलीव करता है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं तो पाकिस्तान का भी गया नहीं, मैं पाकिस्तान, अरे बचे हुए हैं आप सर, बचे जाके देख के आएंगे आपको पता लगेगा कि जो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं मुंह पे मिलके, क्या हम आप तो एक हैं, हमारी बिरयानी आपकी बिरयानी एक है, वो आपके जाते ही आपकी प्लेटें साफ करते हैं कि हिंदू ने हाथ लगा दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? हम वहां पैदा हुए, हमने देखा कितनी नफरत हमें पढ़ाई जाती है, आज भी है सर। इसके अगर ये ना हो तो पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान का टू नेशन थ्योरी है कि हिंदू इज इंफीरियर, मुस्लिम इज सुपीरियर। मैं आपसे बता रहा हूं, जो 50,000 मेरे बलोच भाई पाकिस्तान फौज के हाथों हेलीकॉप्टर से फेंक के मारते हैं कि उस पर गोली का निशान ना हो ताकि केस ना चल सके, किसने मारे हैं?
को इंडिया या इसराइल की फौज ने मारे तो पाकिस्तानी फौज ने मारे ना, वो पाकिस्तानी थे। 3 मिलियन बांग्लादेश में मारे कि हिंदुस्तानी फौज ने मारे, हिंदुस्तान ने तो आके उनको बचाया। तो ये टू नेशन थ्योरी में रंग भी आ जाता है कि जरा गोरा तो होना चाहिए मुसलमान, जरा टॉप का हो, ऐसा तैमूर की तरह आए, बाबर की तरह आए, टेंपल तोड़े, मस्जिद बना के कहे किताब में कि हिंदुस्तानी बड़े बदसूरत होते हैं, गर्मी बड़ी होती, मैं तो जा रहा हूँ अफगानिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में हम बात कर लें एक बार दो मिनट और, और फिर इसके बाद हम हिंदुस्तान की बात। आपने ये कहा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जी, वहाँ कश्मीरी तक नहीं बची, कश्मीर कल्चर नहीं बचा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और वो खैरख्वाह बनते हैं दुनिया भर में जी कश्मीर के। बिल्कुल। तो जो कश्मीर जहाँ जो आज हिंदुस्तान में है, आप उनके बाशिंदों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि उनकी जिंदगी यहां कैसी है और वहां होते तो कैसी होती। देखिए, ये बात तो है कि वैली, असली कश्मीर तो वैली है ना, लेकिन जिन लोगों ने 5 लाख पंडितों को निकाला हो उनसे मैं क्या बात जाके करूं। जो 5 लाख पंडित अपने ही देश में महाजिर बन गए और किसी ने नहीं पूछा उनको, ये जख्म जो है ये सबके देखिए। 1947 में क्या इन आपके जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कहें, आप पे जब हमला हुआ 1947 में हिंदुस्तान पे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, तो कहाँ थे बाकी लोग? ये समझ नहीं रहे कि किसने हमला किया और क्या नहीं किया वो रजाकारों ने। और मैं उन लेफ्टिनेंट जनरल अकबर जो कमांडर इन चीफ थे उसके, उनकी अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर कहीं से ढूंढ के पढ़िए, कंपल्सरी बनाइए इन एटलीस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर में किया क्या, फौज ने कितनी औरतें रेप हुई, कितनी औरतें चली गई वहां से उठा के, दे वेंट टू कश्मीर टू पिक अप कश्मीरी विमेन। तो हमारे यहाँ कश्मीरियों को अंदाजा ही होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जहां मुसलमान वोट डाल सकता है और उसका नाम है हिंदुस्तान, कहीं और नहीं। इतना तो माने ना। दूसरी चीज, जब प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को, जो पहली डायनेस्टी थी अरबों की उमैयद, दैट वाज वेरी हॉस्टाइल टू इस्लाम, उन्होंने ना सिर्फ उनको स्लॉटर किया बल्कि उनकी फैमिली को जब पनाह चाहिए थी तो उन्होंने स्पेन का रुख नहीं किया जहाँ मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था कहीं और, वो कहाँ गए? हिंदुस्तान, जहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता था। इसलिए कि उन्हें पता था कि दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनी। मक्का में आने से पहले कोचिन में मस्जिद एक हिंदू राजा ने ज़मीन दे दी थी कि यहाँ ये मुसलमान आते हैं जहाज़ों में तो इनकी नमाज के लिए। दुनिया की पहली मस्जिद कोचिन में है। एक आपका बताइए मुसलमान लीडर यूपी सीपी बिहार कायदे आजम जिना से लेके फखरुद्दीन अली अहमद जो वहाँ गया हो, सिर्फ आपके प्रेसिडेंट जो थे ये अबुल कलाम, नॉट ये जो साउथ में शरीफ आदमी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम दैट हैज एवर बीन बॉर्न वाज हिम, वो गए जिनके नाम पे औरंगजेब रोड की सड़क हटा के रखा गया। क्यों? मलयाली मुसलमान में मज़ा नहीं आता क्या आपको? क्या उनका रंग काला कद छोटा? इसलिए सिर्फ ये मैं बता रहा हूं आपको, द रेसिज्म विद इन अस इज सो डीप कि पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान को जिस तरह सऊदी थूकता है आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप, मैंने 10 साल सऊदी अरेबिया में काम किया, मैं मिडिल ईस्ट में रह चुका हूं, मैंने 2 हज किए हुए, मुझे पता है किस धुतकार से वो कहते हैं या हिंदी। जो हमारे फौजियों में आके भीख मांगा करते थे मुंबई में, उन पर थूकते हैं अब। तो कश्मीरी मुसलमान को ये थोड़ी झलक दिखानी पड़े, थोड़ा सा एग्रेस, ये काम है मुसलमानों का। दो धाराएं सोच की हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर, एक जो ये मानती है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान ने, कश्मीर की कुछ पॉपुलेशन को पाकिस्तान बरगलाने में कामयाब रहा और उनको लगता है कि वो आज़ाद, वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, उसको रोमांटिसाइज किया जी जाता जी है। बिल्कुल। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की लड़ाई है जो कश्मीर में हो रही है, आप दोनों में से किस चीज़ को सही मानते हैं? दोनों चीज़ें बड़े सच के दायरे में आती हैं, दोनों इन्वॉल्व हैं। इसका इलाज क्या है ये आप अगर पूछते तो वो लेनिन की एक किताब है व्हाट इज़ टू बी डन,
ये सवाल होना चाहिए कि हम करें क्या आप इस रुख पे। छोटा सा मेरा एक सजेशन है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से आप 2 या 3 सीटें अपनी लोकसभा में, क्योंकि आपका तो लेजिटिमेट इलाका है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस में, हर जगह POK इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के लोकसभा के मेंबर भी होने चाहिए। फिर यू प्ले द गेम ऑफ योर एनिमी। आप अपॉइंट करें लोकसभा के मेंबर गिलगित से, बल्तिस्तान से, मुजफ्फराबाद से, जिधर से भी है, 1, 2, 3 जितने भी हुए, मैं कहता हूं एक भी कर दें आप, फिर आप देखिएगा कि बहस कहां जाती है। ये ऐसे नहीं है कि किसी इंटरनेशनल रूल्स को मानने वाली कंट्री। एक तो कंट्री नहीं है, इट्स एन एक्रोनिम एंड इट्स थॉट आल्सो। पाकिस्तान ये एक आइडिया। इसको डिफीट करने के लिए, बगैर इसके बिखरे जाने पे, जो इसका पंजाब है पाकिस्तान का, ये कभी रियलाइज नहीं करेंगे कि इट्स ए लैंडलॉक कंट्री। इन लोगों ने अपना सेम थूर जो नमक आता है वो इतना बहाया है सिंध में कि सिंध की जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इट हैज बिकम सॉल्टी। सारी मच्छियां मर गई, सारी दुनिया। आपको पता है सिंधी जबान में सबसे ज्यादा नाउन्स हैं फॉर बर्ड्स, क्योंकि दुनिया से सबसे ज्यादा जो बर्ड्स हैं वो सिंध में आती हैं, क्योंकि वो साइबेरियन जो वो है माइग्रेटरी बर्ड्स वो सिंध में आके सेटल होती हैं। आपने उनका पानी खारा कर दिया, क्योंकि आपको किसी और की परवाह ही नहीं है। तो ये जुल्म जो हो रहा है पाकिस्तानियों पे, ये हिंदुस्तान ही बचा सकेगा इन लोगों को। मुल्क का तो बॉर्डर बदलते रहते हैं। आप कह रहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बचाना है और वो हिंदुस्तान का। पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं, या सिंधी हैं, या पंजाबी हैं, या पश्तून हैं, या बलोच हैं। ठीक। इनको, इन कौमियतों को बचाने के लिए, चाहे वो अलग अपना मुल्क बनना चाहें, बलूचिस्तान है, सिंधु देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पश्तून मूवमेंट जो है, जो गफ्फार खान पख्तूनिस्तान की बात करते थे, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्तिस्तान में जंग हो रही है, सारे भागे हुए हैं वहाँ से, बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनकी जबान जो है भूटान से मिलती है, किसी उर्दू से नहीं मिलती, टिबेटन लैंग्वेज है, उनको आपने को पूछता नहीं है। अरे उनको वीज़ा नहीं मिलता इंडिया का सर। चलें ठीक, अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि 4 साल, सवा 4 साल हो गए इस सरकार को, और इस दौरान ये इंप्रेशन क्रिएट करने की बहुत कोशिश हुई है, और कुछ वारदातें सच में हुई भी हैं जिससे ये मैसेज जा रहा है कि शायद यहाँ का मुसलमान कुछ असुरक्षित है, इनसिक्योर है, सेफ नहीं है। क्या ऐसी सोच आपको भारत की सोसाइटी में बढ़ती नजर आई है? मुसलमानों में तो ये सोच है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है, ये और बहस की बात है। असल में मसला ये है कि 1947 से आज तक मुसलमानों की वो लीडरशिप को स्टेट ने स्पॉन्सर किया है जो मुल्लाओं के हाथ में। तो आप टेलीविजन पे किसी, शायद ही देखते होंगे वो मुसलमान पायलट आके बात कर रहा हो, या मुसलमान मॉडल आके बात कर रही हो कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। आपको सिर्फ मौलाना ही नज़र आते हैं, और अगर मैं नज़र आ भी जाऊँ तो आपने शायद 2-3 दिन पहले देखा होगा कैसे अफरा तफरी मचती है। तो आम हिंदुस्तानी बजाय इसके कि इंटीग्रेट 1947 के बाद ज़्यादा होता, शुरू में हुआ भी, लेकिन जब से सऊदी इनपुट हुआ पैसे का इंडिया में और इनके मदरसों में, दे हैव रिग्रेस्ड इन एजुकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें ज़्यादा कसूर उनका अपना है। आईने में देखने में, अपना पिंपल हटाने में कोई मसला नहीं, बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लें और हटा लें, तो रूज भी लगा लीजिए, शक्ल ठीक हो जाएगी। लेकिन वावेला करना कि मेरे चेहरे पे धब्बा पड़ गया, वो देखो वो देखो वो जा रहा है, वो उसने किया मेरा, ना इज़राइल, ना इंडिया, ना अमेरिका था, जब मुसलमानों ने मुसलमानों की ऐसी तैसी ना की हो। आपने सीरिया में एक कम से कम 1 मिलियन आदमी गर्क होते हुए, बेघर होते हुए देखा, किसी हिंदू ने तो नहीं मारा ना उन्हें। इंडिया में तो जो कुछ भी हुआ है, इट इज़ नॉट इवन 0.01% जो हुआ बचे में। द ओनली प्लेस सेफ फॉर मुस्लिम्स इज इंडिया। आज भी,
मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा मुसलमान के लिए बेहतरीन जगह दुनिया में पैदा बनाई गई है अल्लाह मियाँ ने कि यहाँ ही रहो, तो यहाँ क्या मसला है? और कि असर किसने किसको रोका है, किसने किसको रोका है आगे बढ़ने से? नहीं, जब जैसी वारदातें होती हैं कि गाय की रक्षा के नाम पर कुछ वारदातें हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हुई हैं। देखिए, मॉब वायलेंस ये इंडिया की कॉन्शियसनेस पे और रेपुटेशन पे एक धब्बा है। ये जो है ना सड़क पे दंगा फसाद होना, ना आस्तीन चढ़ा देना, अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये बड़ी एक साइकोसिस है। इसमें हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, हिंदू हिंदू ज़्यादा लड़ लेते हैं आपस में, आप देखिए लोकसभा में तो जो दंगा फसाद होता है। इशू ये है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जब आप ये कहेंगे कि आपका पहली लॉयल्टी इस्लाम पे है, कि धर्म पहले है फिर ज़मीन है, देन यू आर आउट, आप तो LBW वहीं हो गए, चले जाइए वापस। ये बात आप इंडियन मुस्लिम्स के लिए कह रहे हैं और सबके लिए कह रहे हैं? सारी दुनिया में कह रहा हूँ। मैं आपसे बताऊँ, मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, जो आता है भीख मांग के, माइग्रेशन मांग के, कहता है यार प्लीज सर, प्लीज प्लीज गिव मी वीज़ा, वो तीसरे दिन आके कहता है यार यहाँ तो हर औरत नंगी घूम रही है। अरे भाई क्यों आ गए? रात के 3 बजे अगर एक कैनेडियन बच्ची जॉगिंग कर सकती है बिलाव किसी फिक्र के कि कोई उसे कर सकता है, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है कि ये बड़े शहर नंगे लोग आ गए, अब बड़े ये वेस्ट बहुत बुरा। अरे भाई चले जाओ ना, क्यों हमारी जान खराब कर रहे हो? लश्कर तैयबा, हिज्ब ये हिज्ब वो, क्या कुछ नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ ये जो जुलूस निकालते हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, आपने देखा बड़े बड़े 26,000 मौलवी निकल आए, अरे भाई सीधा चलते चलते वहां जाते LOC पे खड़े हो जाते, हम टेररिज्म के अगेंस्ट। अबे तुम जाओ ना टेररिज्म से लड़ो, हमारी सड़कों को क्यों बंद कर देते हो जुम्मे की नमाज पे? आपने एक बात कही कि भारत के मुसलमान सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित मुल्क है उनके लिए, हैं उनके प्रॉब्लम। देखिए, जब आप किसी को मॉब वायलेंस करके मार दें कि उसने गाय लेके जा रहा था, चाहे वो हो या ना हो, ये तो सर ज्यादती माननी पड़ेगी। मॉब वायलेंस कहीं से हो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब तक हिंदुस्तान ये समझे, हिंदुस्तान के हिंदू नेशनलिस्ट भी समझे, ये जब कदम उठाते हैं हिंदुस्तान को नुकसान होता। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा मुंह काला हो और लोग कहें कि पता नहीं अजीब जानवर किस्म के लोग हैं, 10 आदमियों ने एक की पिटाई कर दी। अब देखिए, दो और बातें जो इस वक्त देश के सामने हैं, एक तो 2019 का चुनाव जी, और उससे पहले एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज में शायद कटुता का या कड़वाहट का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, वो है राम मंदिर का मुद्दा। पहले मैं आपसे इस पर बात करना चाहता हूँ। बाबरी ढांचा गिराया गया, ये भी हकीकत है? बिल्कुल बनाया गया, ये भी हकीकत है। वो कब बना इस पर सवाल है, वो कब बना और उससे पहले वहां क्या था? सीधी बात है, एक गुंडा आया अफगानिस्तान से, आपकी जमीन पर घर बना के चला गया और चला गया तो कमाल कर लिया साहब। एक शख्स आपको गाली देके गया, आपके घर में आपका फ्रिज टीवी सब उठा के ले गया, और जाते जाते दरवाजे को सील कर गया, बोला ये मेरा है, मेरे आज से 50,000 जनरेशन तक मैं यहाँ बैठूंगा। एक टेंपल थोड़ी तोड़ा है, लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद है इसमें ना नमाज पढ़ना जायज़ है, ना इसका बनना जायज़ है, ये कुफर है। और बाबरी मस्जिद को की जगह मंदिर जो है वो मुसलमानों के हाथ से बनना चाहिए अगर उनमें ज़रा भी है, और वहीं बनेगा। मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत हो गई, बहुत हो गई। 1,000 साल तक आके जो आ रहा है चपत लगा के चला जा रहा है, जिसकी मर्जी आ रही है 2 थप्पड़ मारे चला गया। उन लोगों का क्या जिनको ये लगता है कि बाबरी मस्जिद जब ढाई गई तो वो एक जाति थी, वो गलत था, वो एक मजहब पे हमला था? मजहब पे हमला नहीं था, एक गैर कानूनी गैर इस्लामी मस्जिद पे। मुझे एक बात बताइए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही बाबरी मस्जिद के, मक्का के अंदर रसूलुल्लाह का अपना घर ढा दिया, उनकी मस्जिद उतार दी, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया,
को बताइए एक इंडियन दारुल उलूम इधर उधर दियोबंदी जिसने कहा होगा अरे साहब सऊदी अरब बर्दाश्त नहीं करेंगे मस्जिदें तोड़ रहे, अरे वो दो दिन में मस्जिद तोड़ देते हैं। 2019 की बात होती है तो आप पहले 2019 के दो सबसे सेंट्रल कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में अपने विचार हमको बताइए। पहले प्रधानमंत्री मोदी। सर देखिए, मोदी साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि दुनिया में मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की मुझे इतनी वो सोच नहीं है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ कनाडा में या यूनाइटेड स्टेट्स में या यूरोप के अंदर, इंडिया का पहली दफ़ा या पहली दफ़ा नहीं तो मनमोहन सिंह साहब बहुत अच्छे नेक दिल आदमी, लेकिन उन्होंने इंडिया की ओवरसीज रेपुटेशन बहुत कम की। इन्होंने एक रोबस्ट इंडिया का इमेज दिया कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं इस वक्त जैसे ट्रंप हैं या प्यूटिन हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स एट दैट लेवल, अर्दोगान फॉर डिफरेंट रीजंस, ये जो किंग फैसल किंग के बेटे हैं सऊदी अरेबिया में फॉर डिफरेंट लेवल, ये अगर इस वक्त दुनिया में जो टॉप लीडरशिप है उसमें टॉप 4-5 लीडर्स के अंदर जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी नहीं इतने करीब है, उसमें मोदी साहब आपको टॉप 5 विश्व के नेताओं में मानते हैं। मैं समझता हूँ। तो राहुल गांधी को आप कैसा लीडर मानते हैं? राहुल गांधी की जबान अगर थोड़ी दिन उनको पुरानी दिल्ली और पुराने बॉम्बे में छोड़ दिया जाए और उनकी जबान जरा रोबस्ट हो जाए तो ही वुड गिव अ गुड कॉम्पिटिशन टू। आप कह रहे हैं नेता तो अच्छे हैं, बोल नहीं पाते, अच्छा है इंप्रेशन छोड़ते हैं वो, जैसे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में उस टाइप। नहीं, उतने बुरे नहीं है सर, उतने बुरे नहीं है। नहीं, मैं एक इंप्रेशन दे रहा हूँ कि जिनकी पहली जबान धरती की नहीं होती है बोलने में, वो ब्रिलियंट भी होते। मैंने अभी बिलावल को देखा बीबीसी के प्रोग्राम, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, लेकिन वो क्योंकि उर्दू बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे वो, तो वो ही लुक सेंसिबल। कुछ सवाल आप लोगों के लेते हैं आखिर में। हम यूएसए ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $300 मिलियन की सैन्य सहायता पर रोक लगाई है जी, तो सर इससे आपको क्या लगता है उनकी सैन्य बल पर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा इससे? नहीं, पाकिस्तान रिश्वत देगा 2-4 कांग्रेसमैन को 10-10 मिलियन छाप के नोट। ट्रंप ने तो कर दिया, बिल्कुल सही काम किया, लेकिन आपने नोटिस किया कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन कॉल किया तो पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स ने गलत ट्रांसक्रिप्ट रिलीज कर दिया डिप्लोमेटिक सर्कल में। इट्स इम्पॉसिबल, बट हैड इट नॉट बीन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स वो चल निकलता। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद की बात की है, टेररिज्म की बात की, पाकिस्तान ने कहा कोई नहीं, खेती बाड़ी की बात की थी और उन्होंने आम मांगे हमने भेज दिए। यानी इतना मैं एक और बताऊं, अभी क्या हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इमरान खान साहब, और एक साहब आते हैं बीच में कहते हैं सर देयर इज अ फोन कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, नहीं बात करेंगे। उसने फोन ही नहीं किया था, प्रेसिडेंट ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कोई फोन नहीं किया था, यहां लाइव टीवी पे उसने कहा यार शेर दा बच्चा है मान नाल फ्रेंच दे प्रेसिडेंट को सुट दिता उन्हें, और फ्रांस का प्रेसिडेंट कहने मैंने फोन ही नहीं किया, किस चीज को कह रहे हो? कहता चुप कर रहा अपनी अंदर की गाल। दिस इज अनबिलीव, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि ये कितना झूठा मुल्क है। हर बार की तरह बड़ा मजा आया आपसे बात करके। नहीं सर, और एक रिक्वेस्ट करेंगे आप जी, इंडिया अक्सर आया कीजिए। अरे आने वीजा नहीं मिलता भाई आने का, आप कुछ इंतजाम कर दें जी। जरूर, तो जरा अगर विदा का वक्त है तो जैसे आपने उनको वेलकम किया था वैसे विदा भी करें उनको। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह।